तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है। तो यार अब मैं बस दिनों की और ड्यूटी लगा रहा हूँ, मैं डाल भी नहीं आऊँगी क्योंकि यार अब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम के और कसम लगे दे धड़ार में वीडियो डालूँगा। तो आज मैं डाल रहा हूँ थंबनेल ट्यूटोरियल की वीडियो, जो आपने देखा होगा थंबनेल में, जो मैंने इस वीडियो का थंबनेल लगाया है, ये एक सेबर इफेक्ट का थंबनेल है। तो यार अब देख लेना यार वैसे। और फिर आज इतने दिनों के बाद कुछ अलग टाइप की वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने GFX सीखा है और आपको यार मैंने अपना चैनल का लोगो देखेगा, बैनर का खुद बनाया है मैंने, किसी और से नहीं बनाया। अगर आपने भी बनवाना है मुझे बोल देना, पेड वर्क है, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होएगा। तो यार फिर अब देखना यार, एंजॉय करो। तो यार पहले तो आपको खोल लेना है अपना पिक्सल लैब। तो यार नीचे में जो जो पैच यूज़ कर रहा हूँ उन सबकी वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने ज़्यादातर सीखा है सुमन और एमलेट से। तो आपको पहले यहाँ पे जाना है, इंपोर्ट कर लेना है, आपको इंपोर्ट आता ही होगा। फिर यहाँ से करना है ओपन PLB फाइल, थंबनेल 1 चूज़ करना है, देन आपको एक ग्रीन वाला चूज़ करना है। ये थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं उन पर टैप कर रहा था, हो नहीं रहा था। फिर आपको बाकी सब जो जो है हाइड करने हैं यहाँ से। ये देखो आंख वाला ऑप्शन है, इस पर दबाना है और फिर हाइड करने। फिर जो आपको फॉन्ट भी मिल ही जाएगी आपके पास होएगी तो। और एक और है, अगर आपको पैक चाहिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप पे भी। तो यहाँ पर आपको उस पर डबल क्लिक करना है या वो एडिट पे जाके कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है मेक दिस। पहले तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं अभी मेक दिस कर रहा हूँ। जैसे आप अपना कोई भी मोन्टेज का नाम लिख सकते हैं मेक दिस। फिर फॉन्ट जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किया वो एवर ग्रीन फॉन्ट, जिसका नाम है रोड रेज, ये भी सबसे ऊपर वाली। हाँ मुझे एवर ग्रीन फॉन्ट है, कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। और फिर आपको इस पर लिखना है ऑन एंड्रॉयड, या मैं अभी लिख रहा हूँ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। या फिर एंड्रॉयड आपको पिक्सल जो है बाकी पीछे के वो कर देना ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करके बाद आपको इसे कर लेना है सेव डमीशंस अल्ट्रा में। तो अब चलिए चलते हैं PSCC में। तो या फिर आपको PSCC खोलकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, जो कि YouTube का 1920x1080 करके साइज रख लेना है। फिर आपको अपना कोई सा भी बैकग्राउंड रखना रख लेना होगा। अगर आप स्कोप खोल रहे हो उसमें 3x6x कुछ सा भी रख लेना। और एक जो आपको सेबर इफेक्ट है उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है यार, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया अगर तुम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते तो डिस्क्रिप्शन खोल लेना। फिर यहाँ पे आपको फिर सिलेक्ट कर लेना है अपना जैसे तैसे करके। इसको पहले कर देनी है डुप्लीकेट लेयर, अब थोड़ा जीरो हो जाता हूँ। फिर आपको इफेक्ट्स में जाकर नीचे वाली लेयर को करना है ब्लैक एंड वाइट। फिर आपने प्लस वाली लेयर अभी तो नहीं, फिर आपको करना है ग्रेडियंट मैम, दूसरी वाली लेयर पर जाके कलर 1 ब्लैक ही रखना है, कलर 2 रखना है ग्रीन थोड़ा लाइट वाला। आपको खुद अपना टाइम लीजिए, खुद सिलेक्ट करिए ताकि आराम से हो आपका। कलर 3 भी ग्रीन ऐसे डार्क है, आपको टाइम लेना है अपना ताकि एडजस्ट हो जाए अच्छे से। फिर एंड में मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो फिर आपको इस पे जो आप हो जाएगा, फिर आपको इसको कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है फिर नीचे वाली लेयर ब्लैक एंड वाइट कर देना ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। ओवरले भी कर सकते हो यार, मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि डार्क सा रहता है। फिर आपको यहाँ पे करना है यार कुछ हो के नहीं रहा। हाँ फिर आपको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा हाँ आपको डुप्लीकेट लेयर करनी है। फिर आपको यहाँ पर इसे नीचे वाली यार मैं अजीब हरकतें कर रहा हूँ जब मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि यार ऐसे मन नहीं कर रहा। आपको फिर सिलेक्ट करना है सर्कल सिलेक्शन टूल, पर मैं अभी कुछ कर ही नहीं। आपको सर्कल सिलेक्शन टूल करना मार्क नहीं है, सर्कल सिलेक्शन टूल लिया।
देन इसको ऐसे गोल कर दिया, गोल करके अच्छे से सिलेक्ट करना, क्योंकि कुछ होता है कुछ पिक्सल्स नहीं होते, साइड का जो काला काला स्कोप है वो चल जाएगा, बस आपको बीच का पूरा सिलेक्ट करना। जैसे ये अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, आपको अच्छे से टाइम लेके करना है, एक बारी में जल्दी से नहीं कर देना। जैसे ये है परफेक्टली हो गया, थोड़ा ब्लैक वाला बाहर आ जाता है ना स्कोप का, वो स्टील स्टील वो चलेगा। फिर इसको करना है लेयर फ्रॉम सिलेक्शन ताकि नीचे वाला हो जाए, फिर आपको नीचे वाली लेयर डिलीट कर देनी है, मतलब जो अभी कलर्ड वाली है इसके नीचे, आपको इसको ऊपर लेके आना है, नहीं उसको ऊपर नहीं लेके आना, फिर आपको जाना है इरेजर टूल में, देन आपको शो पॉइंटर ऑन कर देना है, फिर आपको धीरे धीरे करके ये इसमें से ग्रीन पार्ट ही इरेज करना है। तो आपको शो पॉइंटर ऑफ कर लेना है, फिर आपको ये डीसेलेक्ट करना है, फिर आपको कुछ करना, एक नई चीज़ को तो पहले डिलीट करना पड़ेगा, शायद मैंने ये दो बार कर दिया गलती से, ताकि ध्यान में नहीं था, शायद वो रखना है, हाँ रखना है उसे, गलती से मैंने बोल दिया डीसेलेक्टर से, पता नहीं, हाँ उसे। फिर आपको सीधा जाना है ब्लेंड्स में, फिर आपको वाइट वाला रखना है, ग्रीन वाला भी रख सकती है, जो है ना ऐसे स्ट्रोक सी लाइन ऐसी है जिसको कर देना है ओवरले, ये देखिए इसको ले नीचे कर देना है, इसके ऊपर नहीं रखना, ऊपर करने से बिगड़ जाएगा। आप सेंटर में भी रख सकते हैं, सेंटर में आ जाएगा वो बढ़िया सी, पर मुझे नहीं रखना, बढ़िया नहीं लग रहा मुझे। स्कोप के बीच का पार्ट मैंने क्लियर रखना है, फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एक अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट ही करना है ना, नहीं पार्टिकल्स करने हैं पहले अपना, कुछ भी ग्रीन सा पार्टिकल जैसे ये है, इसके साइज थोड़ा बड़ा करके इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है स्क्रीन, सॉरी लीनियर डॉज एट स्क्रीन भी कर सकते हो, जो कुछ करना है। इसको इसके पीछे ले आऊँगा, ऊपर नहीं ठीक लग रहा था तो मैंने पीछे करा था, नहीं पीछे यार मैंने क्यों नहीं करा, फिर इसकी ओपेसिटी कम कर दी थी। देन फिर आपको सीधा अपना टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेना है, टेक्स्ट इंपोर्ट करने के बाद फिर अभी बताता हूँ यार, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। और कहाँ गया पिक्सल आपका फोल्डर, ये रहा एक दिस ऑन एंड्रॉयड। फिर आपको फिर सिलेक्ट करना है लेयर, वो मार्की सिलेक्शन टूल ऐसे सिलेक्ट करके फिर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन नीचे वाली लेयर से क्लियर कर देना है। फिर हमारे पास दो टेक्स्ट की अलग लेयर आ जाएंगी, ये देखो अब दो टेक्स्ट की अलग लेयर आ गई। फिर आप देखो खुद करने में, वॉइस ओवर नहीं करूँगा।
Bye.
Thank you.
Thank you.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.